हरि ओम। निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सधर्म भक्ते रवणं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो खेलमङ्गलं नः। ॐ श्री नरनारायण देवाय नमः। ॐ श्री राधा कृष्ण देवाय नमः। ॐ श्री सहजानन्दाय नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री नरनारायण देवनी जय। अपना सौना उपास्य इष्टदेव सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण आ दिव्य सभा में अपने सौने दिव्य रूपे रही दर्शन आपी रहेला भगवद स्वरूपों में अपना हरिकृष्ण महाराज प्रातः स्मरणीय वंदनीय संतो 20मी सत्संग शिबिर लाभ लेवा माटे पधारेला सौ कोई भाविक भक्तों ने युवानों ने जय स्वामीनारायण। हृदय में हरेक दिवस नो आनंद 22 वधतो होय एवुं जणाय छे। आजे आखीए सभा केसरिया रंग थी रंगाई गई होय एवुं रूप धारण करीने तमे बधा लाभ लेवा माटे बैठा छो। सत्संग अपना जीवननी अंदर अनोखी प्रतिभा प्रगट करे एनो मूल सिद्धांत छे। भगवाननो सत्संग छे। सत्संगथी वधीने बीजू काई जीवननी अंदर छे नहीं, कारण के सर्व साधन करता सत्संग अधिक छे। एवो सत्संगनो आनंद अपने नर्मदा नदी ने किनारे बेसीने माणी रह्या छीए। भगवान स्वामीनारायणे वड़तालना 11मा वचनामृतमा आज्ञा करी, अमारा भक्तोए तेमने आ बे पद सीखवा। मारा हरजीसु हे तन दिसे तेने घेर सिद्ध जाइए, मारा वाला जीसु वालप दिसे तेनो संग। हाँ, आ बे पद गावानी आज्ञा करी छे। केवा उद्देश्य थी आज्ञा करी छे? द्रोह थी बचवा माटे, अभाव अवगुण थी बचवा माटे आवी आज्ञा भगवाने वचनामृतनी अंदर करी छे। गरीब ब्राह्मण एनो द्रोह अमारो हाथ करे तो अमेने कापी नाखीए। केटलो भगवानना भगतनो महिमा हशे, केटली ऊंच स्थितिनी अंदर रहनारो भगवाननो भगत हशे के जेमना माटे भगवानने एम कहेवू पड़े कि अमारा अंग जो एनो द्रोह करे, अपराध करे तो अमे एने छोड़ी देवा माटे तैयार छीए। आ 20मी सत्संग शिबिर में आ पद पर आपणे सत्संग करी रह्या छीए। सूड़ीओ पर शयन करावे तोय साधु ने संगे रहिए रे। दूरी जान लोक दुर्भाषण बोले तेनु सुख दुख सर्वे सहिए रे। तेनो संग सिदत जिए ते विना केने तो ये साधु ने संगे रहिए। साधु जीवन में घणा बधा प्रकारे मददरूप थाय छे। साधु नो संग न छोड़वो। घणा बधा भजनों कविओए लखेला छे, साधुड़ा नो संग न छोड़िए। बीजाना कार्यने सिद्ध करवामां जेमने रस छे ए संतनो संग न छोड़िए। परकार्याणी साधयंती इति साधु। परोपकारनी दृष्टि जेना रगे रगनी अंदर दौड़ी रही छे एवा संत, एवा भगवानना साधु एनो संग न छोड़िए। साचा संतनो संग जीवननी अंदर हशे। गम एवी आपत्ति आवशे तो ए साधु बचावशे। भगवू कपड़ू नमवानु स्थान छे। राक्षस होय भगत होय बधाय भगवा कपड़ा ने नमे। अने भगवा कपड़ानी आडमा पाप पण करे। रावण मां सीतानु हरण करवा माटे आव्यो, आटलो शक्तिशाली लंकानो राजा मूळ रूपमां न आव्यो, साधुना रूपमां आव्यो। सीताजी साधु ने जोईने नमी गया। भगवू कपड़ू एक एवं है कि ज्या हरेक व्यक्ति पोतानी मनोकामना एना चरण में ढोळतो होय छे। दुख पड़े त्यारे साधु पासे जाए, सुख पड़े त्यारे साधु पासे आववा वाळो वर्ग ओछो, हनीमून जवा वाळो होय, सिंगापुर जवा वाळो होय, बीजी जग्याए जवा वाळो होय, पण साधु कने एम ना आवे के सामी लोटरी लागी 5 करोड़नी, कंईक होय तो सेवा बतावो करवी छे। दीकरो मानतो न होय, दुकान बराबर चालती न होय, मौका उपर दुकान जोईती होय, बेतन जग्याए सोदोय करवानी कोशिश करी होय, पण त्यांथी नेगेटिव जवाब मळ्यो होय तो साधु पासे आवे। आ 20मी शिबिर माटे अमे भूजथी निकळता हता, एक भगतनो फोन आव्यो के स्वामी वाड़ी वेचवी छे, वातचीत थी जाए छे, हाय थी जाए छे, छेल्ली बाकी ना थी जाए छे, वाड़ी आवीने पगल करी जाओ ने। वाड़ी आवी पगल करी जाओ एटले वाड़ी ठेकाणे थी जाए। आगले दिवसो दुख पड़े छे त्यारे भगवू कपड़ू याद आवे छे। आप सौ सुग्न छो, सत्संग थी माहितगार छो, एटले भगवान ने धारी रहेला संतना चरण में जाओ छो। बाकी विशाल दुनिया छे, हैं केटली विशाल दुनिया छे। जेने साचा संतनो भेटो थाय ए जीवात्मा ने साचू मार्गदर्शन मळे। ए वात मुक्तानंद स्वामी आ कीर्तनना माध्यम थी मने ने तमने समझावे छे। साधु ने संगे रहीए, जे अनुभव मुक्तान स्वामी ने धांगध्रा में थयो अने जे अनुभवनी छाप जे आखा हृदयनी अंदर छवाई गई ने एमांथी जे शब्द प्रगट्या छे ते आ छे साधु ने संगे रहीए। जूनागढ़नी बाजू में छत्रासा करीने गाम छे, त्याना पाताभाई करीने रजपूत भगत छे। स्वभावे करीने आडोड़ाई अखोणाई जेने कहेवाय ने हत्तर लखाणे पूरा जेटलू मोटू स्थान एटले स्वभाव प्रकृति बधा ए प्रमाणे होय। बधी जगह हाथ मिलावा जावानू ने पाणी पीवानू। आवो मानस दिवसे खावा में क्यांय विवेक रहेलो नहीं, जे आव्यो ते खाधु अने रात्रिए पोताना फड़िया में खाटलो ढाड़ी अने भाई सूता छे। पाता भाईओ बराबर कोठी टाइट करी हती अने पछी आव्यु स्वप्न। ई स्वप्ननी वात मजेदार छे। स्वप्नमा बे जम देखाणा एने, जिंदगीमां क्यारे न जोयेला एवा भयंकर भमडाडा अने हाथमां मुदगर एनुं हथियार खंभा उपर राखीने मोटी काया। पहला भाई तो जोईने डरी गया कि आ वड़ी कई सृष्टि ना मानस छे, कोई दिवस जोयेला नहीं। पण लोई आम खमीरवंतु ने એટલે જોઈ રહ્યો. સ્વપ્નમાં ઊભો થવાનો પ્રયાસ કરે છે પણ થઈ શકતો નથી. જરાક આમ ઊભો થવાની કોશિશ કરીને ત્યાં પેલા બે જમદૂતે પોતાની પાસે રહેલો મુદગર બે જણા એક એક હરખો કરીને ફટકાર્યો. પાછો ખાટલા ઉપર સૂઈ ગયો. પછી જમદૂતે ડોળા કાઢ્યા. એ જમદૂતના ડોળા કેવડા મોટા હોય, સિંહની જેમ ઉપર તાળક્યા, છાતી ઉપર પગ મૂકી દીધા. અને પેલો આમ ખમીર વાંધતો હતો, ભલે હત્તર લખણે પૂરો હતો, પણ જમદૂતની આગળ કાંઈ એનું ચાલ્યું નહીં. પછી તો શક્તિ ભેળી કરી, શક્તિ એકઠી કરી અને ગમે એમ કરી અને સપનામાં ઊભો થયો અને મુઠ્ઠી વાળીને ભાગ્યો. દોડતો જાય છે, ગામની ભાગોળે ગયો અને જ્યાં એના બેસવા ઉઠવાના સ્થાન હતા, જે જગ્યાએ વિહામો લેવા માટે જતો અને જ્યાં એને આસ્થા હતી એ બધી જગ્યાએ ગયો. જ્યાં વાંહે નજર કરે ત્યાં પેલા જમના દૂત મારતે પગે દોડતા આવે. બાજુમાં આવે તો સીધો એક મુદગરનો પહાર કરે. ભાઈ તો દોડતો 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 સપનામાં હાલ્યો જાય છે, હાલ્યો જાય છે. ધડીંધરો હતા, બધા પાસે ગયો, પણ જમના દૂત કોઈ પીછો છોડ્યો નહીં. એમ કરતા કરતા એને એક મોટું શહેર દેખાણું ને શહેરમાં ઘૂસી ગયો. જે આમ શહેરમાં દોડ્યો જાય છે ત્યાં મોટો એક લાકડાનો દરવાજો દેખાણો. ધક્કો માર્યો, દરવાજો ખુલી ગયો, અંદર ગયો બચવા માટે જમદૂતથી. આમ થોડેક આ વિડીયો ઊભો હશે ત્યાં સુધી ગયો હશે. અને ત્યાં તો જમના દૂત એની વાહે ને વાહે આવતા હતા એટલે દરવાજે ઊભા થઈ રહ્યા. જમના દૂત દરવાજે ઊભા થઈ રહ્યા અને બોલ્યા, દુષ્ટ પાપી, આજે તું બચી ગયો. ખીજાણા એની ઉપર, બે દાંતની વચ્ચે હોઠ દબાવ્યા, પગ પછાડ્યા, આજે તું બચી ગયો કે. ત્યારે પેલો વિચાર કરે કે આ ભૂમિ ઉપર હું આવ્યો ને બચી ગયો, એનો મિનિંગ શું થાય કે. પણ જમદૂત બારે ઊભા થયા, અંદર નથી આવી શકતા. પગ પછાડી પોતાના હથિયારને જેમ જેને કે ખાર કાઢવા, એ ખાર કાઢીને એ તો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. હવે પેલો ભાઈ પાતો એને ફરીને નજર કરી, ત્યાં વચ્ચે એક મોટું ચોગન દેખાણું, એમાં એક લાકડાની પર્ણકુટીર દેખાણી, એમાં એક સાધુ મહાત્મા ફાટેલી તૂટેલી ગોદડી ઓઢી અને હાથમાં માળા લઈ આંખ બંધ કરીને ભજન કરે છે, ભજન કરે છે. બફાંગ દઈને આગળ પડ્યો. એટલે પેલા સંત મહાત્માએ જોયું કે આ શું થયું. નજર કરી, માળાને આંખે અડાડી, છાતીએ લગાડી, બાજુમાં રાખી, આમ સામે નજર નાખીને પેલાનો શ્વાસ ચડી ગયો હતો. બહુ દોડ્યો માણસ, શ્વાસ ચડી ગયો હતો, કંપારી છૂટી ગઈ હતી, એ બધું શાંત થઈ ગયું અને સ્વપ્ન પૂરું થયું. જાગ્યો, ત્યાં પોતાના ફળિયામાં ખાટલા ઉપર બેઠો થયો. જેમ બાજુમાં નજર કરી, જરા ગંધ આવતી હતી. નવા કપડા પહેર્યા, ઓસરીએ બેઠો, લમડે હાથ દઈને, આનકો રાખવો, આ છે ને એટલે મારું વાલું આવું કેમ થયું કે. આવા માણસો કોઈ દિવસ જોયેલા નહીં. ઠીક છે, જવા દો ને, એવા તો માણસો હોય, પણ પેલા એ સાધુ કોણ હતા? આવા ભયંકર ભમરાણા મને મારી નાખે, મારું કચુંબર કાઢી નાખે એવા એ દરવાજે ઊભા થઈ રહ્યા, એ મારું વાલું શું હતું? એ સાધુ કોણ હશે? એના ઘરવાળા જાગ્યા, લમણે હાથ દઈને બેઠા હતા ને પૂછ્યું, શું વાત છે આજે? જવાબ દેવાની હેસિયત તો હતી નહીં. હવે એ ભાઈ શોધ કરે છે કે એ સાધુ કોણ છે. 15 દિવસ પછી કયું ગામ હતું? છત્રાસા. છત્રાસામાંથી એક સંઘ નીકળ્યો અને એ સંઘ જાય છે જુનાગઢ. બધાએ નક્કી કર્યું કે આપણે જુનાગઢ જઈએ. તો પાતાભાઈને પણ વિચાર થયો કે આમ તો કોઈ દિવસ ક્યાંય યાત્રામાં જાય નહીં, પણ એને હવે ભગવું કપડું શોધવું છે કે જે એના આશ્રમમાં ગયો અને એ જમના દૂધ દૂર ઊભા થઈ રહ્યા, ખાર કાઢીને ગયા, મને અડી શક્યા નહીં, તો એ પાત્ર કોણ છે મારે એને શોધવું. એને ખબર નથી કે જુનાગઢમાં આવીને ભટકાઈ ગયો હતો સ્વપ્નમાં. સંઘ ગયો જુનાગઢ, ગલીઓમાં ફરે છે કે સ્વપ્નમાં જે દરવાજો મોટો જોયો એ દરવાજો ક્યાં છે કે ફરતા ફરતા જે આજે મંદિર છે એ ગલીમાં બાજુમાં આવ્યો અને મોટો લાકડાનો દરવાજો જોયો ને એને એમ થયું કે હા, સ્વપ્નમાં જોઈને એ જ આ દરવાજો છે. હવે જ્યાં દરવાજાની અંદર ગયો ત્યાં તે સમયે જે રચના હશે એ પ્રમાણે એને એક લાકડાની કુટીર એટલે કે ધર્મશાળા દેખાણી. વળી અંદર ગયો, હવે તો પુરાવા મળતા આવ્યા, પુરાવા મળતા આવ્યા એટલે હવે કંઈ પ્રૂફની બીજી જરૂર નથી. જ્યાં અંદર ગયો ત્યાં એક સંત માળા ફેરવતા હતા, જેવા સ્વપ્નમાં જોયા હતા એ જ સંત માળા ફેરવતા હતા. હવે તો હૈયામાં તમે કયો એને કેવો આનંદ થયો હશે કે મૂળ જગ્યા સપનાવાળી મને મળી, જ્યાં બાજુમાં જાય સંતની અને ત્યાં પેલા સંતે એટલું જ કીધું, જમ કેવા વહમાં, जम केवा वहमा लाग्या भाई, और इंतजारी वधी गई के साधु केवा, के मारू स्वप्नु आने खबर पड़ी गई. लांबो थईने सूई गयो, लांबो थई कोई दिवस भगवा कपड़ा ने के चरण में अड़े नहीं, ए लांबो थई गयो. बे हाथ जोड़ीने कीधु के महात्मा जी, साधुराम, मने बचावो, डर एटलो अंदर घुसी गयो हतो, मने बचावो. संते एटलुं ज कीधुं के जुओ भाई, तमे ज एक आ दुनियामां छो के बीजाए छे? अत्यार सुधी तमे जे कुकर्म कर्या छे, लोकोने हैरान कर्या छे, तमारा स्वभाव प्रकृतिने कारणे, अने जे माणस घमंडी होय ए माणसे न करवाना केटलाय कर्म करी नाख्या होय. संते कीधु के बापू, माणसनो देह मळ्या पछी जमणे हाथे दान देवा जोईए, एनी जग्याए तमे केटलायने लूट्या छे. भगवानने भजवानी वात तो एक बाजू रही, जो तमने बचवुं होय तो आ ल्यो स्वामीनारायणना वर्तमान, पहेरो कंठी. ए पाता भाई हाथ जमणो आगळ कर्यो, पेला संते ने वर्तमान धरावीने कंठी पहेरावीने कीधुं के जाओ, आजथी खोटा कर्म करवानुं बंध करो, भगवान स्वामीनारायणनुं भजन करजो, भगवान तमारुं रक्षण करशे. स्वप्नमां जोयेला एक संत अने ई संतनी शोधमां पोतानो दरबार, પોતાની વિચારધારાને એક બાજુ ઠેબે ચડાવી અને સંતના પહામાં આવ્યો ને ત્યારે એને જમદૂત થકી રક્ષણ મળ્યું. હે, એટલે એક સંતની સાથે જો ક્યાંક આપણું મન માની જાય, હેત બંધાઈ જાય, તો એ સંત જેમ કહે ને એ પ્રમાણે માણસ કરવા તૈયાર થઈ જાય. એટલા માટે તો એક સરસ કાવ્ય પંક્તિ છે, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी. संतन के संग लाग रे, जो आपने संतनी साथे लागणी बंधाई जाए तो आपनो जीवन सुधरी जाए, जीवन सुधरी जाए. ये बात मुक्तान स्वामी आ कीर्तन नी अंदर करी रह्या छे. એવા સંતનો યોગ જેમને જેમને થયો એના કામ થઈ ગયા છે. એટલા માટે તો એમ કહેવાય ને, એક ઘડી આધી ઘડી આધી મેં પુનિયાદ तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। थोड़ी वार माटे पण जो संतनो संग थी जाए, योग थी जाए, सत्संग थी जाए तो अनेक अपराधों छे ने ए बधा नाबूद थी जाए छे। बीजो एक प्रसंग छे नानकड़ो। एक वार दयानंद स्वामी पांचेक संतों ने साथे लई छपैया थी तरगाम जवा माटे निकळ्या छे। इतिहास में लखायेली आ कथा छे। मनोरमा नदी आगळ आवी, नदी ने पार करवी हती तो वाणवारा भाई एक उभा हता। एमने जईने कीधुं के भाई अमारे आ नदी ने सामे किनारे जावुं छे पण अमारी पासे तो कई छे नहीं। विना मूल्य नदी पार करावी देता हो तो हारू। एटले पेला नाविके कीधुं के महात्मा जी, सामे किनारे तमारे जावुं छे, तमारी पासे मूल्य कई छे नहीं। हाँ भाई, अमारी पासे काई ज नथी, अमारे सामे किनारे जावुं छे तो मारी एक शरत छे, हूँ तमने सामे किनारे लई जाऊं, तमारी पासेथी काई न लऊं, एम तमे मने आ भवसागर थकी पार करावी दो तो हूँ तमने मारी नाव में बेसाड़ी सामे किनारे लई जाऊं। तो अमारा जेवा साधु तो त्यारे थी जाए ने कि आपने तो आवड़े छे ने भव पार करावता। ले भाई वर्तमान ने पेर कंठी कर भजन स्वामीनारायण नो, लई जाए भगवंत ने धाम मां। लिफ्ट आपी दी। संत ने खबर नहीं कि आ मानस बहुत चतुर ने होशियार हशे। एटले संत बधा नावमां गोठवाई गया। पांच संतो, छठा दयानंद स्वामी नावमां गोठवाई गया। नाव थी शुरू, नदी में हंकारतो जाए छे। वच्चे गयो एटले पेला स्वामीए कीधुं, दयानंद स्वामीए कि भाई तारे भवसागर तरवो छे, ए तो आपणी वात थई ने शरतमां, मने तमारे भवसागर पार करावानुं, हूँ तमने नदी पार करावूं। के तो एक काम कर, जो आ नदी ना नीर वहे छे एमांथी स्वामीए पाणी लीधुं, तारो जमणो हाथ आगळ कर के हम तने वर्तमान धरावीए ने कंठी पेर ने कर भजन। आम वात नथी हो, शुं आम वात नथी, आ तो तमारी पाहे कई छे नहीं, तम मने देवा तैयार थया, मारे कई लेवू नहीं कि तमारी पाहे थी। के ना पाड़ दीधी, घसी ने ना पाड़ दीधी, ये तो नहीं बने। के पाछो ऊपर थी बोलियो के महात्मा जी कंडीशन आकरी पड़ी, हवे हाँ भरजो। भगवान स्वामीनारायण संते कीधु कि अरे भाई, कंडीशन कोई दिवस स्वामीनारायण साधु ने आकरी पड़ती हशे। आप्यु रोकड़ू कल्याण तने। किनारो आवे, उतरीने वया गया। मजेदार बात तो ये छे, भगवान स्वामीनारायण ने चिंता थई कि मारा साधु रोकड़ू कल्याण आपीने गया छे अने आणे एम कीधु छे कि हूँ जे कर्म करू छू, पाप कर्म करू के सत्कर्म करू, पण तमने विना मूल्ये आ भव पार करवानो छे। हूँ तमने नदी पार करावी, भव पार थकी माने तमने उगारवानो छे। रात ढड़ी, भाई घरे गयो, हाथ पग धोया, घरवाड़ीए सरस मजानी भाखरी बनावी हशे। भाखरी कढीने भाणामां पीरसी, जमीने खाटले लांबो थयो, ताव आव्यो। ताव आव्यो एने। भगवान स्वामीनारायण दर्शन थया। जे संतने 2-2.5 कलाक पहला जे नदी पार कर्या हता ए संत एने देखाणा सामे। अने भाई बोलियो कि आजे 5-6 संत ने नदी पार कर्या हता। ए संत मारी सामे छे अने भगवान स्वामीनारायण सामे छे ने हवे हूँ जाऊं छू अने देह छोड़ीने वयो गयो, धाम में गयो भगवान भेड़ो। तमने शू लागे आम थी जाए तो जल्दी पार पड़ी जाए ने सामी शिबिर पर शिबिर भरावानू क्यों छो? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आपने जेटलो आनो भाव ऊंडाण थी समझी सके ने एटलो ज लाभ छे, जाजो लाभ नहीं। शू एने काम कर्यो हतुं, कई पूजा करी हती, कया दान कर्या हता, कया तीर्थ में एने विचरण कर्यो हतुं? काई ज नहोतुं कर्यो। भगवान स्वामीनारायण संते एटलू ज कीधु हतु के तने रोकड़ू कल्याण आप्यू। त्यारे भगवाने विचार कर्यो के मारा संतना योग में तू मात्र भले अर्धो के पौणो कलाक रह्यो होय अने नदी पार करावेला होय, तारा पेलाना बधा ज पाप बारी नाखी एवा मारा साधुनो योग तने थयो अने हवे तू पाप करे एवो तने रेवा दऊं अने मने पाप बाळवा पड़े एवो तने राखू नहीं। के आ संतनो संग छे, साधु ने संगे रहीए। मुक्तान स्वामी आ ऊंडाण में लई गया छे। सूड़ी ऊपर शयन करावे तोय साधु ने संगे रहीए। अद्भुत स्वामीना शब्दों भाव शिक्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका। एक क्षणवार पण बाय हार्टली जो संतनो संग थी जाए तो आखो भवसागर छे ने तरी जाए छे। साधु पण केवा समर्थ होय छे, केवा भगवान स्वामीनारायण वर्तमान ने पाड़नारा ए समर्थ साधु। संप्रदायनी अंदर एम कहेवाय छे के महाराजे संतने तैयार करवामां 100 ऊपर वर्तमान फेरव्या। वर्तमान एटले रहेवानी पद्धति हे अलग अलग। अत्यारे कपड़ा पहर्या छे पछी के कंतनना कपड़ा पहरो, हवे तमारे जंगल में रहेवानुं, गाम में नहीं रहेवानुं, मन मागे ते न आपवानुं, रात्रे एकबीजानो शब्द न संभळाय एटला डिस्टन्स में रहेवानुं, व्यसननो त्याग करवानो, दारू न पीवानो, मांस न खावानुं, चोरी न करवानी, व्यभिचार न करवानो। घणा बधा वर्तमान छे अने नाना सरखा जीव जंतु होय एमने दुखवा नहीं, एने हैरान न करवा, एवा वर्तमान भगवान स्वामीनारायणे संतो ने आप्या अने संतोए पाड्या। अने ए वर्तमान थी आकर्षित थईने केटलो बधो समुदाय संतने नजीक आव्यो अने वर्तमान धारीने भगवान स्वामीनारायणनो आश्रित थयो। मुक्तान स्वामी दरियाखाना गुंबज में आवेला हता अमदावाद में अने त्या ध्यान में उतरी गया हता। मोटा एक नगर शेठनु निधान थयेलु अने घणा बधा लोको निकारे आवेला अने साधु ने जोया। हवे कोई पण साधु आम ध्यान मुद्रा में बैठा होय ने एटले बधा एवो ज विचार करे के पाखंडी, ढोंगी, कपटी। ते समयनु वातावरण एवुं हतुं, ढोंग छे, धतिंग छे, मालिकोर पोलम पोल छे। आ खरा साधु तो कि सर्प हमणा आना शरीर उपर चढ़े अने काई थाय नहीं तो खरा साधु। एने एवो विचार आव्यो। आगळ उभेला माणसोने शमशान भूमिमां आव्या हता, योग सर्जाय, उपरथी सर्प नीचे पड्यो अने त्यां रहेला ध्यान मुद्रामां संतोना एक एक शरीर उपरथी पसार थई अने सर्प पाछो चाल्यो गयो ने जोनारानी आंख चार थई गई के जिंदगीमां आवुं तो क्यांय जोयुं नहीं। सर्प जेवुं भयंकर मृत्यु नजर समक्ष होय अने शरीर उपर कांई पण जो पड़े त्यारे माणस जबकी जाए। पण आ खरा साधु छे के एनी ध्यानमयथी स्थितिमयथी हल्या नहीं, एटले आ हाचा साधु छे। इतिहास में एवं लखायु कि संतों ने रसोई पर रसोई अने नजीक थया अने वर्तमान धारी ने भगवान स्वामीनारायण आश्रित थया। आवा संत जेने मळी जाए अने ए संतनी निश्रामा जेमना जीवन पसार थाय ने एनु जीवन दिव्य बनी जाए, भवसागर ने तरी जाए। पण एवा संतनी ओळखाण करवामां ज आपणे बहु वार लागी जाए, ओळखाता नथी। एक नानी वात तमने कहूं। चित्तोड़गढ़नी महाराणी झाली राणीबा काशीनी यात्राए गया छे। यात्रानो संकल्प थयो, बहु दूर गया, भाव थयो कि अहीं आगळ बधा महात्माओ छे तो एने भोजन कराओ, एक भोजन कराओ। व्यवस्थापकोने मळी अने भोजननो प्रबंध गोठवायो। त्यां रहेता एक रहीदास करीने भगवानना भगत हता, एमने पण आमंत्रण अपायुं कि आप पण भोजन करवा माटे पधारो। बधा भोजन करवा माटे आव्या छे। बधा लाइन में बेसवानी तैयारी करी। त्यां रहीदास पण भेगा लाइन में हता, एने पण बेसवानी तैयारी करी। एटले बीजा लोकोए ना पाड़ी के अमे आमनी साथे भोजन नहीं करीए, कारण के चामड़ानुं काम करे छे, एमनी साथे में भोजन नहीं लीए, अमे ऊंचा छीए, ई नीचा छे। एटले झालीबा राणीए रहीदास ने बे हाथ जोड़ीने विनंती करी के माठू न लगाड़ो, आप अहींया बेसीने भोजन स्वीकारो। आ तो भगवाननी मस्ती में रहनारो महापुरुष कर्म भले एने जे करवानुं हतुं ते पण त्यां बेसी गया अने भोजन करवा माटे तैयार थया। बधाने पीरसाई गयो अने ज्यां बधा थाळीमांथी कोळियो लईने मोढामां मूकवा जाय त्यां हरेकनी बाजुमां रहीदास, हरेकनी बाजुमां रहीदास देखाणे। बधा ऊभा थई गया पाछा के अमारी बाजुमां केम आव्या। बधा ऊभा थई गया, रहीदास बेठेला, आ बधा ऊभा थई गया। थोड़ी वार थईने त्यां रहीदास अदृश्य थई गया। एटले बधा बैठा वड़ी पाछा बाजुमां आवी गया। हकीकत एमां बनावेल नथी, वात करतो तमने। आ भगवानना भगतने ज्यां सुधी नथी ओळखी शकाता व्यवहारिक दृष्टिए, बाह्य दृष्टि रीते आपणे के बीजा होय आवो कोई व्यवहार करवा माटे आवे ने त्यारे जरूर हिचकिचाट थाय, पण जेने खरेखर भगतनी ओळखण थई गई होय तो एने शंका कुशंका होय नहीं। बन्युं शुं? झालीबा राणी आ दृश्य जोयुं कि आ शुं के एक ज छे, आ 100 जना छे, बधाईनी वच्चे आ एक एक गोठवाई गया छे। नमी गया कि आ तो महान छे। व्यवसाय कदाच एने चामड़ानो हशे पण छे खरो भगवाननो भगत। बीजाए बधा सज्जनों हता एटले एने पण भान थयुं कि खरेखर आपणे कंईक मोटी भूल करी छे। भले आपणे आने दररोज जोईए छीए पण आनामां कंईक अमारा करता विशेष दैवत छे, सामर्थ्य छे ने भगवाननो परम भगत छे। एटले बधाए ए ज समये पोतानी भूल स्वीकारी अने एमनी साथे भोजन कर्युं छे। पहले दिवसे मैं आई थी बात करी हती कि आपणी आजूबाजू में बैठेलो भगत केटलो महान छे ए आपने 5 दिवस में ओळखवानो छे। तमे दररोज पोतानी जग्या पर बेसो रा के बदलावो रा, चेन्ज करो रा ने? हाँ, बधाने चेन्जीस जोईए छीए। एटले 5 दिवस सुधी आपने कोई एवो साचो भगत भटकावो न जोईए के जे आपणे के एनो महिमा समझवो पड़े। जो हमारा राघव मुनि स्वामीए कदाच एक्टिविटी करावी हती कि आजूबाजू में बैठेला भगत छे ई केटला महान छे, एना गुणनु दर्शन। वाला शिबिरार्थीओ, जे वात मूळ छे तो फरी फरीने आवानी ज छे। जेनी वात मुक्तान साम्या कीर्तन में करी छे तेनो संग सिद्ध तजिए ते विना केने भजिए। एवा भगतना सहारे आपणे जीवन जीववानुं छे, एनी साथे रहेवानुं छे। तेम छतां कोईक ने कोईक तो ओळखी तो लेजो कि आ भगत आटला नियमवाळा छे, मनना मक्कम छे, धर्म नियम चुस्त छे, आटलू ज्ञान छे, जनमंगल आवड़े छे, वंदुना पद आवड़े छे, ए सिवाय बीजू एने जे काई सत्संगनु साहित्य पाकू कर्यु होय तो आपणे एमांथी गुण लईए कि हूँ पण शीखू अने कंईक आगळ वधू। तो ये भगवानना भगतनी साथे आपणी गुजारेली एक पण पळ जे छे ए आपणा जीवनने दिव्य बनावी जशे, एक प्रेरणा आपी जशे। त्यार पछी आगळ स्वामीए पंक्ति लखी छे, अमृत पेयति मीठा मुखथी हरिना चरित्र सुनावे रे। ब्रह्मा भव सनकादिका जेवा जेना दर्शन करवाने आवे रे, तेनो संग ते विना केने भजिए। अमृत पे अति मीठा मुख थी हरिना चरित्र सुनावे। ब्रह्मा भवसन कादिक जेवा जेना दर्शन करवाने आवे। अमृत करता पान अति मधुर ने मीठा। भगवानना चरित्रों जो चरित्र बे प्रकारना मानुषिक अने दिव्य आ बे चरित्रों आपने श्रवण करावनार ए संत पुरुष के भगवानो भक्त छे एनी सोबत सा माटे छोड़िए। मान पान पद प्रतिष्ठा ने दैहिक सुख खातर पामर विषयी जीव एवानी सोबत करे छे तो सरवाड़े एने पस्तावानो वारो आवे छे। कारण के ज्यां मान मळतुं होय, ज्यां पद मळतुं होय, ज्यां यशोगान थतुं होय ए जग्या मां ज जो एने रस छे तो आखी जिंदगी एमने एम पसार थी जाए पण एने सत्संगनो स्वाद छे मळतो नथी। अमृत कई कंपनीनुं वखणाय, अमृत कई कंपनीनुं हारू कहेवाय। नथी खबर तमने कई कंपनी बनावे रही? फ्रीज ना दरवाजा में माई जाए ये कई कंपनी बनावे है? अच्छा ये खबर न होय ने तमने। व्यसन ना नाम नु नहीं नाखो। हवे आ वातो करवी शोभे नहीं पण होय तो तमारे काढी नाखो ए पण तमने शोभे नहीं। स्वर्गनु अमृत वखणाय। हालशुं आपणे बधा लेवा माटे? अमृत अमर बनी जाओ, अमरो लांबू जीवो। जोया करिए के आ कलियुगनो छेड़ो आवे त्यारे माणा केटला केटला हशे, आटला हशे, आवड़ा हशे, आटला हशे, केम हशे। ई शुं करवाना हशे ए पण आपणे जोवुं छे तो अमृतनुं पान करवुं पड़शे। जीव्या करिए अहींया कने, जोया करिए के शुं करे छे। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज कथा संभळावानी तैयारी करीने कंपनी वाला हाजर थया। लई आव्या हो, स्टॉक में माल लई आव्या। अमे बधा डिस्ट्रीब्यूटर छीए, लेवो अमारो प्रोडक्ट राजा ने आपो। 7 દિવસ में मरी जवानुं छे, न मरे રાજ શાસન લાંબુ ચલાવે એવી અમારી સૌની અભિલાષા છે. આ પ્રોડક્ટ વાપરો અમારો. સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે રાજા ઓફર આવીએ લેવીએ. રાજા કેવા સમર્થ હતા, સમજદાર હતા. સ્વાર્થી જાણીને દેવોને પાસે કાઢી મૂક્યા. સુખદેવજી મહારાજે કે આ તમારું પ્રોડક્ટ તમારી પાસે રાખો, અમારે અહીંયા ભારતમાં કામ નહીં આવે. અમારે ભારતમાં 7 દિવસની સપ્તાહ કથા, એટલે જેને જલ્દી જવું હોય એમને હૃદયથી સાંભળી અને 7મા દિવસે એને વિમલ લેવાને માટે આવે અને આ નર્મદા નદી ઉપરથી જાય સીધું ધામમાં. अमृत छे एनाय करता अमृत पे अति मीठा मुख थी हरिना चरित्र सुनावे. भगवान चरित्रों जीवन ने दिव्य बनावे, जन्म मृत्युना चक्करमय थी मुक्ति अपावे एवा भगवान चरित्रों छे. पण बीमारी ई छे કે ભગવાનના ચરિત્રો શ્રવણ કરતા કરતા ઘણીવાર એમ થાય કે ટાઈમ થઈ ગયો એ સ્વામી મૂકી દે તો આલે બીજું સત્ર છે હજી ચરિત્ર કહેવા માટેનું, પણ મુકતા નથી. ભક્તજનો, મારી બીમારી ને તમારી બીમારી, બધા બીમારીવાળા ભેળા થયા છે આ 20મી શિબિરમાં, પણ બધા ડોક્ટરો અહીંયા છે એટલે આપણું ઓપરેશન થઈ જશે. हाँ, वहाँ बैठा है एमना माटे साखियोगी एना बधा डॉक्टरो छे, तमे बैठा छो एमना माटे संतो बधा डॉक्टरो छे. मने एक विचार हमणा आव्यो कि आपणे एवो केम भाव थाय छे कि भगवाननुं चरित्र फरीवार सांभळीए छीए तो खबर छे कि आम ज कहेवाना छे. शा माटे एवो भाव आवी जाय छे? जे मळ्या छे, જેની પ્રાપ્તિ થઈ છે એનો આપણે ગૌરવ નથી. એટલા માટે વાલા શિબિરાર્થીઓ, આપણી આ ચાલી રહેલી 20મી સત્સંગ શિબિરમાં દરરોજ આપણા ગુરુ પૂજ્ય મહંત સ્વામી આ શિબિરમાં આપણને દિવ્ય દર્શન આપવા પધારે છે. હાથ તાલીમ નાદથી સ્વામીના આગમનને આપણે વધાવતા રહીશું. આવા મહાપુરુષો આપણી આ શિબિરમાં, એમના દર્શનથી જ આપણી આ શિબિર સફળ થઈ રહી છે. બોલો શ્રી નરનારાયણ દેવની, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. ભલા શિબિરાર્થીઓ, પૂજ્ય મહંત સ્વામી આપણી ચાલી રહેલી આ 20મી સત્સંગ શિબિરમાં પધાર્યા. આપ સૌ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. આપણી मुक्तान स्वामी रचित मारा वालाजी सु वालपदी से ए पद पर अपने त्रण दिवस थी कथानु श्रवण करी रह्या छीए। एमां आजे अमृत पेय अति मीठा मुख थी हरिना चरित्र सुणावे। भगवानना दिव्य चरित्रों श्रवण अमृत करता पण ऊंचू छे। कथामृत जे कथामृत थी अनेक मुमुक्षु जीवात्माओ आ भावो पार थया छे। राजा महाराजाओ तखत छोड़ी अने कथानु श्रवण करवा माटे गया छे। भागवत जी होय तो परीक्षित राजा, सत्संगी जीवन होय तो प्रतापसिंह जी राजा, भूषण होय तो ज्येष्ठजीत राजा, केटला बधा राजाओ कथा सांभळवा माटे गया छे। राज्य में कई खोट नथी, मोज शोखना जलसा हता, पण कथा छे एज जीवात्मा ने व्यथामय थी रोगमय थी भवरोग थकी मुक्ति आपनारू जो एक आ दुनियानी अंदर पात्र होय तो कथामृत छे। नाम नथी आपतो पण वात करूं, बोंबई नी छे। बापा मोटा छे, छोकरा थी त्राही गया छे। रात्रे 11:30 निकळ्या मरवा माटे। बापा सत्य घटनाओ, नाम नथी आपतो, खाली एटलुं। 11:30 मरवा माटे निकळ्या। बॉम्बे में तमने खबर है ने ओवरब्रिज छे घणा बधा। हाँ तो बाजुनो ब्रिज एने सिलेक्ट कर्यो कि जल्दी पोगी जाए, जल्दी पूरु थाय। मुझे बात करूं छो, आमांथी केटलाने खबर पण छे, अमारा संतोने तो खबर ज छे। छोकराओ चिंता में पड़ी गया कि बापा जो आ वखते आम करे तो अमने शरमजनक बनी जाए। एटले खबर पड़तानी साथे दीकराओ तरत वाहे गया अने जोयुं त्यां तो बापा ब्रिज उपर पोगी गया हता ने ज्यां पारी उपर चढ़ीने जा होम करीने करवा जाता था त्यां छोकरो हाथ पकड़ी लीधो। आ न कराय, बापू राड़ा राड़ करे, ली आव्या घरे। तरत सामीने फोन कर्यो 12 वागे, भुजना संतोने फोन कर्यो 12 वागे। बोम्बई में थाणा में हता। 12 वागे फोन आव्यो कि स्वामी आ परिस्थिति छे, बापा केमे कर्या मानता नथी, एने हवे छेल्ली बाकी पूरुं ज करवुं छे। के तमने एम लागे कि जुवनिया ज आम करता होय एवुं नथी हो। घणी वखत वडीलो त्राही गया होय छे। कया उद्देश्यथी त्राही गया होय बधाना अलग अलग एंगल होय। संतो गया, पाणी पायो, पोठा माथे हाथ फेरव्यो। बापा आवो सुकम पगलू ल्यो छे? तमारो परिवार, तमारा दीकराओ सत्संगी गुणियल, मंदिर में संतोनो समागम करनारा, तमे आवो पगलू भरो? बापो हांभरे बीजा, एना मगज में कंईक चढ़ी गयुं हतुं। केटली वार सुधी संतो एने समझाव्या समझाव्या, मनाव्या मनाव्या, कोळियो मोढुं खोले ज नहीं। मोढुं खोले तो अंदर कंईक प्रसाद जाए ने प्रसादना वेवस छे एना मगज उपर जाए ने कंईक फेरफार थाय। गमे एम करीने संतोए एने मारी मचोड़ीने मोढुं खोलाव्युं ने चरणामृत मोढामां मूक्यो ने प्रसाद मूक्यो अने पछी बापो थोड़ा स्वस्थ थया। एमां 2 कलाक बीजा निकळी गया। समझावता समझावता हवारना 4 वाग्या ने त्यारे कंईक बापो हरखा थया। खाटले होडावी एने मीठी मीठी भगवाननी वातो करी। केटली कलाक करी? 2.5-3 कलाक सुधी करी। मरवा पड़ेला ने पण भगवाननी कथा छे ने रस्ता उपर ली आवे छे। मरवा पड़ेला ने संतनु एक कार्य छे, सज्जनु एक काम छे, कोई पोतानु जीवन टूंकावतो होय तो एनो अपयश पोता माथा उपर लई ले अने एने बचावी ले। मूळदास जी आ काम कर्युं हतुं। तमे जाणो छो इतिहास ने एटले बहु ऊंडाणमां नहीं। जीवन में एनी रायना दाणा जेटली पण भूल नहोती, कोईनी भूल अने आखो ए भूलनो भारो पोताना माथा उपर लई लीधो अने बहनने बचावी। एवा तो केटला इतिहासो। आ कई एमने एम घटना घटी नहीं जाती। भगवानी वातो करवाथी, हूफ अने हिम्मत ने बळ आपवाथी, समझावी समझावी ने एने मठारी मठारी ने कंईक टाटो पाड़े त्यारे ए कंईक हवड़े रस्ते चढ़े छे। अमृत करता पण भगवानी कथा छे ने स्वाविश ऊंची छे ने ए भगवानना चरित्रो जे जीवात्मा सांभळे ए जीवात्मानुं मंगल मंगल थई जाय छे, आनंद आनंद थाय छे ने अंतःकरण जे छे विशुद्ध थाय छे अने जन्मांतरना पाप छे ने बळीने खाक थई जाय छे। मने ए कहेवा द्यो तमे आटली वार अहींया कने बही न हको पण आ भगवाननी कथा कीर्तन धून थाय छे ने तमने खबर नथी पड़ती कि अमे केटलुं करीए छीए। अत्यारे तमारी पासे पाप छे ने बही नथी हकता, ई बधा बारे भागी गया मालसर थी। एके पाप अहींया कने छे नहीं। सत्संगी जीवन पुरवार छे। कोई पण जीव ज्यारे कथा सांभळे छे त्यारे चिस्कारीओ करीने ए पाप अहींथी भागी जाय छे। भगवाननी कथानो प्रताप छे अने एनो पुरावो भागवतनुं महात्म्य छे। आवी अद्भुत अमृत करता पण ऊंची भगवाननी कथा जे संभळावे छे अने जे सांभळे छे त्यां दैवी शक्तिओ मोटा मोटा ईश्वरो ए त्यां कथामां हाजर होय छे। आपणे अहींया कथा करीए छीए, भगवाननी चर्चाओ करीए छीए। गई काले रात्रे पण केवी आम ज्ञान गांभीर्यवारी चर्चाओ हती। तमे तम खीतो थई गया था। आखी सभा मकड़े टट। पूज्य सिंहरी स्वामी जे वचनामृत पर जे प्रकाश पाथर्यो कई मजा आवी जाए। आपणे आम अंतरम गदगदित थई जाए के हैं हनुमान जी ना एवुं बने नहीं। ज्यां भगवाननी कथा थाय त्यां तो शक्तिओ दिव्य अहींया विचरण करती होय त्यारे तो आपणे बेसी सकीए, त्यारे तो आ वातने आपणा मगजमां उतारी सकीए छीए। एना वेव्स एनी शक्तिओ आपणामां संक्रांत थाय छे त्यारे आपणे आनंद आवे छे। जो सत्संगी जीवन में प्रसंग आवे छे, धर्मदेव ने भक्ति माता वृंदावन में पधारे छे। भारतभरना ऋषिओ जे बद्रिक आश्रम में दुर्वासा महर्षिए श्राप आप्यो ते बधा त्यां भेड़ा थाय छे ने भजन करे छे। रात्रिना समये हरिनाम संकीर्तन, कोई गीता नो पाठ करे, कोई रास पंचाध्याय नो पाठ करे, कोई विष्णु सहस्त्र नो पाठ करे छे। तमे जुओ ए सत्संगी जीवन नी अंदर शतान स्वामीए लख्युं के मध्य में भगवान पधार्या, दर्शन आप्युं एमने। आवो दिव्य सत्संग थतो होय त्यां भगवान न होय। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। भगवान आम कहे छे, मारा भक्तों ज्यां भेड़ा थईने संकीर्तन करता होय, भगवत गुणानुवाद करता होय त्यां मारी हाजरी होय छे। हे नारद, वैकुंठ में ना जतो, श्वेतदीप में ना जतो, अक्षरधाम में ना जतो, ज्यां मारा भक्तों मालसर में शिबिर करता होय ने आवो वातावरण होय त्यां हूँ बैठो छुं, बीजे क्यांय नथी। अहींया आवजे। पूज्य मान साहेब बैठा है, तमे जुओ तो खरा। अमने तो वधारे 25 आनंद छे आ शिबिरनो। शा माटे आटली शिबिरो थई एमां आटली लांबी हाजरी जो पूज्य मान स्वामी ने होय ने तो मालसर में छे। एक पण सत्र में स्वामी ना आव्या एवुं नथी। अने आवीने स्वामी तमने अमने बधाने आशीर्वाद आपे छे, अंतरथी राजी थाय छे। आपणुं काम आम समजो पूरुं थई गयुं। हवे हवे घरे जेने बीजू काई न करता आई थी संतो के नहीं कर जो करशो ने एटलू हो एटलू करजो तो हवे पछी काई जरूर नहीं पड़े। आ जवाबदारी लेनारा बैठा छे भगवान ने धारी रहेला संत बैठा छे आ बाजू संतो बैठा छे। बहु दिव्यता छे आ शिबिरनी घणुं बधुं छे। चालो छेली एक पंक्ति लई लईए कारण के आमा दिव्यता ने दिव्यता छे। नरक कुंड थी नर सूला सदे जो हरि जन मारे तेनो संग से दत जिए ते बिना कोने मुक्तान स्वामी अंत में एक पंक्ति ए लखी नरक कुंड थी नरसू लागे दूरीजन नु मुख। मने एटलो कॉन्फिडेंस छे कि आ शिबिर नो हरिरस अमृत नहीं हरिरस आ शिबिर नो हरिरस तमे आईथी पीने जसो एटले लगभग तमारा गाम में तमे गलीए तमारा भाई बहन काका मामा फई फुआ मासा बधाने जईने पीवड़ावशो। आई एम राइट एंड रॉन्ग पीवड़ावशो ने। तो मुक्तानंद स्वामीनी बीजी पंक्ति मुक्तानंद मगन थई मागे वास देजो हरिजन में जो नहीं पीवड़ावो ने केना जेवू नरक कुंड थी नरसू लागे आवेटी बोले केवी उपमा आपी तमे जुओ तो खरा। कल्पना करिए तो आपणु मोढु आपणा विचारो आपणु ज्ञान आपणी होशियारी आपणी आवडत क्या आम छू थई जाए खबर न पड़े शू करिए छीए हैं शू करिए छीए। अहींथी गया पछी के आवो संतनो समागम कर्या पछी आपणे क्या बेसीए केम करिए छीए केफ चढ़ी जावो जोईए। पूज्य बालकृष्ण स्वामी गई काले एमना वक्तव्यनी अंदर एम कीधुं के हवे पछी शिबिरनी अंदर आवो त्यारे एक एकनी पासे 5 जणा गाममां वधी जवा जोईए। आटलुं तो अमे केटला दिवसथी कहीए छीए। हवे आ छेल्ली पंक्तिमां आपणे सौने वळी जवानुं छे। जो नथी वळ्या नरकना कुंड हारा के नहीं। एक भाई नरक में गया जमना दूतों कीधु के जो आया कने बधी अलग अलग फ्लेवर छे अलग अलग फेसिलिटी छे तमारे कई पसंद छे। थोड़ी वार थया ते आगळ वध्या बधाड़ा दुखी थाता था कोई क्यांय केम पीड़ाता था कोई ने केम करता था। तो वच्चे आगळ गया पछी एक सरस फेसिलिटी हती त्या बदाम टेबलो गोठवेला हता आम जाने के मोटू केम बोल्यू रेस्टोरेंट होय एनी जेम अने त्या बधा पीता था शीशा पड्या था खुर्शी हती आम मोज हती। पहेला पापी माणसे कीधुं के आ सूटेबल थशे आपणे सूटेबल आ बराबर छे अहींया रहेवाशे। थोड़ी वार थई पीरियड बदल्यो सजानो पीरियड बदले के न बदले पीरियड बदल्यो त्यां तो पछी वाहेला दरवाजानी बधी फेसिलिटी हती सुविधा ए आवी जेटला पीता था ने बधा मालिकूर पड़े। हवे तो एने पसंदगी करी लीधी थी एटली लेवानी हती आइटम एने नरक कुंड थी न लागे हमरू नरसू न लागे जो आ आज बड़ लेवानुं छे मने ने तमने। मुक्तान स्वामी एम कहे छे के जे दूरीजन छे के जेने भगवान भगवान ना संत ब्राह्मण गाय सती नारी साख्योगी बहनों अने सती नारीओं ना जेने वर्तन गमता नथी जेना आचार पसंद नथी एवो कोई पण व्यक्ति होय अने एनी हरोड़ में आपणे जो ऊभा थई जता होईए तो आपणे केना जेवा नरकना कुंड करता पण आपणे गया कहेवाय। मुक्तान स्वामी बे हाथ जोड़ीने गड़गड़ता हृदय आंख में आंसू सारता महाराजनी पासे ए मांग्यो छे के प्रभु हवे वास देजो मने रहेवानो योग कृपा करीने एवो आपजो के ज्यां भगवानना भगत होय संत होय एकने मने रहेवुं छे बीजे क्यांय नथी रहेवुं। आ स्वामीनी दर्द भरेली नाभीमांथी आवेली अर्जी छे मुक्तानंद मगन थई मागे वास देजो हरिजनमा। भगवानना भक्तोनी वच्चे वास निवास सत्संग करवा मळे आनंद किलोल करवा मळे दोषो दूर करवाना अभ्यासो करवाना पाठ शीखवा मळे आवुं आपजो कृपा करीने। घणुं बधुं केवुं नथी हवे घणुं कहेवाई गयुं छे एटले वहाला भक्तजनो संतोए जे मने सेवा सौंपी हती के मारा वाला जीसु वालप दिसे तेनो संग सिद्धत जीए हूँ पण आजना दिवसे आ स्वामीना कीर्तनमयथी बळ मेळवी अने आगळ वधवानो प्रयत्न करूँ। आप सौ शिबिर में पधार्या छो आटली मोटी संख्या में संतोनी हाजरी सांख्य योगी बहनोनी हाजरी छे अने आटलो ऊंडाणथी आ कीर्तननो भाव मारी मती प्रमाणे हूँ अहींथी तमारी आगळ रजू कर्यो छे। आप सौ सुग्ना छो भगवानना भगत छो हजू पण ऊंडाणथी आ भावोने तमारा हृदयमां हृदयंगम करजो अने भगवानना भक्तोनी वच्चे रहेवानो प्रयास करजो। जे नथी तो एने भगवानना भक्त बनाववानो प्रयास करीए। आ शिबिरमांथी आटलुं तो जरूर आपणे लईने जवानुं छे के जे आपणा मित्रो छे जे आपणा पारिवारिक सभ्यो छे आपणा नातीला छे अने एने कदाच सत्संगनो क्यांक नानो मोटो अभाव अवगुण के क्यांक बीजी विचारधारणा छे तो ने पॉजिटिव बनावीए वातो करी करीने करीए। आप सौ अहीं पधार्या छो तो शिबिरना माध्यमथी ने संतोना माध्यमथी अहीं पधार्या छो अवारनवार आवी वातो सांभळी त्यारे अहीं दूर दूर सुधी अहीं आव्या छो तो अंतमां एटली ज भगवानना चरणमां प्रार्थना संतोना चरणमां एटली ज विनंती छे के आप सौने भगवान स्वामीनारायण भुज में विराजता अपना धींगा धणी नरनारायण देव राधा कृष्ण देव आपने अखूट ताजगी भरेलू बड़ आपे स्फूर्ति आपे अने आ मुक्तान स्वामीना पदने सविशेष आपने अपना सर्कलनी वच्चे अपना बंधुओनी वच्चे आनो प्रचार अने प्रसार करीए अने हाचा भगवानना भगत बनीए एवुं बळ सौने मळे ए विनंतीनी साथे जयनाथ करीने कथाने अहींया कने विरम आपो छो। बोलो स्वामीनारायण भगवान की श्री नरनारायण देव की। बधाने भावथी जय स्वामीनारायण।